साहिबगंज जिला के उधवा, बोरियो, तालझारी समेत कई विभिन्न थानों में बकरीद एवं श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। आयोजित बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घरों में ही नमाज अदा करने की अपील पदाधिकारियों ने लोगों से की। उधवा के राधानगर थाना परिसर में थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें दोनों समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। लोगों से क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई। विशेष रूप से हम लोग आज की बैठक राधानगर थाना परिसर में आगामी बकरी 2021 को लेकर बुलाए थे, जिसमें सभी धर्म से लोग और शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए थे। शांति समिति के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, धार्मिक समुदाय के लोग हैं दोनों धर्मों से, उसके बाद मीडिया कर्मी वगैरह सभी इसमें उपस्थित आज हुए, जिसमें मुख्य रूप से आगामी बकरी 2021 को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ मनाने की बात पर विचार विमर्श किया गया और लोगों की समस्याएं जो भी थे उनको सुना गया। साथ ही उनको निर्देश दिया गया कि कोविड नियमों का, जो सरकार का आदेश है, कोविड नियमों का भली भांति पालन करते हुए और अपने घरों में ही नमाज अदा करने के लिए बोला गया, ताकि सार्वजनिक तौर पर भीड़ इकट्ठा न हो और कोविड नियमों का पालन किया जा सके। अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, इस तरह की अगर कोई बात होती है समाज में और क्षेत्र में तो इस संबंध में त्वरित रूप से CEO सर, थाना प्रभारी और हम लोगों को सूचित करें, ताकि हम लोग ससमय वहां पहुंचकर मामले को सुलझा सकें और सलट सकें। इन्हीं सब के रूप से बातों पर चर्चा की गई, लोगों की समस्याएं सुनी गई और यही संदेश दिया गया कि बकरीद का त्यौहार बढ़िया से मनाना है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द और धार्मिक भावना को बिना ठेस पहुँचाए हुए। वहीं बोरियो थाना परिसर में थाना प्रभारी जगन्नाथ पान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए इस बार भी बकरीद के पर्व पर सभी लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें, ईदगाहों में नमाज नहीं अदा की जाएगी। आज की शांति समिति के बैठक में राधानगर थाना क्षेत्र में सरकार के द्वारा COVID-19 का जो आदेश पारित हुआ है, उसी के आलोक में मनाने का, सबको शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का हम लोगों ने निर्देश दिया। और कैसे इस त्यौहार को हम लोग अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक पार करेंगे, इस पर हम लोग विचार विमर्श किए और सभी शांति समिति एवं राधानगर थाना क्षेत्र के सभी जनताओं से अपील है कि इसको, इस त्यौहार को, बकरीद के इस पवित्र त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे हम लोग ईद उल फितर मनाएं, उस ढंग से हम लोग इसको शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। इधर तालझारी की बात करें तो तालझारी थाना परिसर में भी राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में और तालझारी थाना प्रभारी कैलाश कुमार की उपस्थिति में रविवार को बकरीद और श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि सामूहिक जगह में भीड़ लगाकर नमाज ना पढ़े, अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें, जिससे दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारा से पर्व मना सके। मुख्य रूप से आज की बैठक का में मुख्य उद्देश्य था आगामी बकरीद त्यौहार जो बुधवार को 21 तारीख को मनाया होने वाला है, और साथ ही श्रावणी मेला भी 23 तारीख से शुरू होने, 23 तारीख से होने, आगामी श्रावणी मेला को भी लेकर आज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समाज शांति समिति के सभी सदस्य, मीडिया बंधु एवं सामाजिक कार्यकर्ता सभी उपस्थित हुए। मुख्य रूप से आज की बैठक में लोगों को यही निर्देश दिया गया कि आगामी आने वाले बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ मनाना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और ऐसी कोई भी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है जिससे सामाजिक सौहार्द और को बढ़ावा मिले। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में रहकर कोविड नियमों का पालन करते हुए
मस्जिद में नमाज़ अदा करें और कुर्बानी की जो भी प्रक्रिया है उसको अपने घर में सब लोग अपने परिवार के साथ मिलकर करें, ताकि कोविड नियमों का पालन भी किया जा सके और त्यौहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। बैठक में कई अन्य स्थानों पर श्रावणी मेले से जुड़े मंदिर और नमाज के लिए मस्जिद में पब्लिक की एंट्री पर प्रतिबंध होने की सूचना भी लोगों के बीच दी गई। बैठक में सभी पुलिसकर्मी सहित राजनीतिक दलों के कई नेता एवं बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। न्यूज लाइफ के लिए उधवा से बीरू कुमार पासवान, बोरियो से मोहम्मद हलीम अंसारी और तालझारी से अमित चौधरी की रिपोर्ट।